ओम शांति। आज की तारीख है 31/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बड़ा खुशी का दिन है और सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, घाटा कब पड़ जाता है? उत्तर में मीठे मीठे बाप दादा ने बहुत अच्छी अच्छी 5-6 आवश्यक बातें हम बच्चों को सुनाई है। आप नोट करेंगे, दिल में भी नोट करें परंतु डायरी में भी नोट करें और बीच बीच में वो जरूर पढ़ें जिससे परिवर्तन आए। तो उत्तर है, जो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, नुकसान गिनते जाना भी, बाबा रोज हीरे रत्न देते हैं, गोई पॉइंट्स सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, फिर वो नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं और पद भी दृष्ट हो जाता है। इस प्रकार बाबा ने 6-7 बातें सुनाई। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 गीता के महावाक्य। नंबर 1, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, क्योंकि वनवाह में रहे नए घर में चलने की तैयारी करनी है। नंबर 2, ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। सुना सभी ने? फिर वरदान है सतगुरु शिव बाबा का, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, महानता की निशानी है निर्माणता, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा वो भरपूर होते हैं। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना वो झुका हुआ होगा। तो निर्माणता ही सेवा करती है और जो निर्माण रहता है वो सर्व के द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई भी मान नहीं देता, उससे सभी दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ में रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।